हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर वेदिका। और मैं हूँ वेदिका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, किस तरह से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरह से मैं सामान रखती हूँ। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। है मेरा फ्रिज जो कुछ इस तरीके का है, और ये है ब्राउनिश शेड में। और मैंने फ्रिज के ऊपर ये रखा हुआ है अपना एक स्पून स्टैंड, और साथ में यहाँ पर रखी हुई है ये कैंडल, और ये माउथ फ्रेशनर्स रखे हुए हैं। ऊपर एक बास्केट रहती है जिसमें फ्रूट्स रहते हैं। और ये जो माउथ फ्रेशनर है, ये 5-in-1 है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये ख़त्म भी हो चुका है काफ़ी हद तक। तो ये 5-in-1 माउथ फ्रेशनर है जो मैंने फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद यहीं पर होते हैं तो वो इजीली हम ले सकते हैं। और इसका ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। और ये मेरा फ्रिज है 3-star। और ये है मेरा 3-star, और ये है 182 liters का। और ये हम दो लोगों के लिए इनफ है, सफिशिएंट रहता है, हम दोनों इसमें इजीली अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे खोलते हैं और हम इसमें देखते हैं कि मैंने अपना सामान को किस तरीके से स्टोर किया है। और मैं अपने फ्रिज के हैंडल पे की हैंडल पे हैंड टॉवल रखती हूँ हमेशा। तो चलिए फ्रिज को खोलते हैं। तो खोलने के बाद मेरा फ्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सबसे ऊपर जो है इसमें ये है फ्रीज़र, और फ्रीज़र में कुछ नहीं है, बस मेरे दो आइस क्यूब के ट्रे रहते हैं, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ फ्रीज़र में। और उसके नीचे है ये एक शेल्फ़ टाइप का, इसमें हमने ये बटर रखा हुआ है, बस बटर ही रखा है इसमें भी, और कुछ नहीं रखा हुआ है। उसके बाद जो फर्स्ट इसका कंपार्टमेंट आता है, उसमें मैं अपना मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स रखती हूँ। जैसे कि अभी तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, तो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये दूध रखा हुआ है, प्लस ये खरबूजा रखा था तो मैंने इसमें रख दिया क्योंकि नीचे नहीं आ पा रहा था। और इसके पीछे यहाँ मेरा दही रखा हुआ है, यहाँ पे मैं मलाई निकालती हूँ दूध में से, जो भी वो अपना स्टोर कर देती हूँ। तो ये दूध, दही, मलाई और जो भी स्टोरिंग का होता है वो सब रखती हूँ मैं। इसके जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है, इसमें मैं अपना लेफ़्ट ओवर फूड जो भी रहता है मेरा, उसको रखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर ये छाछ का पैकेट रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है बटर मिल्क। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक डिब्बे में आम का पन्ना बना के स्टोर किया हुआ है, क्योंकि अभी समर्स आ गए हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, तो मैंने एक बना के स्टोर कर दिया है। हम लोग जब भी बाहर से आते हैं तो इसको सादा पानी में मिला के मिक्स करके पी लेते हैं। उसके पीछे ये जो बॉक्स है, यहाँ पर मैंने अपनी मीठी सोट रखी हुई है बना के। और ये मैं जो कल जो मुझे वेजिटेबल बनानी होती है उसको मैं पहले से ही काट के अपना स्टोर कर देती हूँ एक बॉक्स में, जो ईजी रहता है। और ये मेरा जो आटा बचा रहता है वो स्टोर है यहाँ पे। और जो ये मैंने एक टिफ़िन में ये मिर्च फ्राई की हुई है हरी, क्योंकि अभी कभी हमें जल्दी है, मुझे परांठे खाने हैं, तो हम लोग इजीली इनसे खा लेते हैं। और ये लेफ़्ट ओवर जो भी सब्ज़ी होती है वो हम इस तरीके से स्टोर कर देती हूँ। तो इसमें मेनली मेरा जो लेफ़्ट ओवर फूड रहता है या मुझे जो कल प्रिपेयर करना है वो रहता है। साथ में इसमें यहाँ पर रखे हुए हैं ये वाइट रसगुल्ले छोटे वाले, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने यहाँ पे ये रखे हुए हैं स्टोर करके। इसके नीचे ये रखा हुआ है एक बूंदी के लड्डू, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं, तो ये मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। मतलब जो हमारा खाने पीने का स्टफ़ होता है वो सब मैं यहीं पे रखती हूँ। साथ में यहाँ पे ये रखा हुआ है ये बॉक्स, इसमें क्या है कि मैंने गोला और किशमिश और मखाने को काट के फ्राई कर, मतलब काट के रखा हुआ है। इससे मैं कभी खीर बनाती हूँ तो मुझे तुरंत ही काटना पड़ता है, तो मैं ऐसे फटाफट से यहीं से डाल लेती हूँ। और ये फ्रिज में रखा हुआ है जिसकी वजह से ये ख़राब भी नहीं होता है। तो जो भी मेरा लेफ़्ट ओवर फूड होता है वो सब मैं इसी में स्टोर करती हूँ। तो उसका जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट है, इसमें मैं अपने सारे फ्रूट्स को कट करके स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है, और फिर मन नहीं करता है इसको खाने का। अगर कट रहते हैं तो बड़ा ईजी रहता है। तो अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रूट्स को कट कर देंगे तो वो ईजी खा लेंगे। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक बहुत छोटी सी क्यूट सी एक बास्केट है, इसमें मैं हमेशा अपने ग्रेप्स को वॉश करके रख देती हूँ स्टोर करके इसी तरीके से, और ये काफ़ी सही है। और इसमें ये जो ये होल्स हैं जिससे इसका जो पानी होता है वो सारा निकल जाता है, तो मैं इसी में वॉश करके अपने फ्रूट्स को ग्रेप्स को रखती हूँ इसमें। इसके बाद मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है काफ़ी बड़े से साइज़ का, इसमें मैं हमेशा वाटरमेलन काट के रख देती हूँ, क्योंकि समर्स में कहीं से भी आते हैं तो थोड़ा ठंडा खाने का कुछ मन करता है, तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ वाटरमेलन खाना। तो ये मैंने वाटरमेलन इसमें काट के रख देती हूँ, तो हम लोग जब भी आते हैं तो हम इसमें से थोड़ा सा निकाल के अपना खा लेते हैं। उसके बाद अगेन ये एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स है, मैंने इसमें खरबूज काट के रखा हुआ है,
क्योंकि विंटर समर्स में ठंडा ठंडा खाने का मन करता रहता है बार बार, तो आपको टेंशन नहीं होती है। इसके बाद जो ये पीछे है, ये मेरा वाटरमेलन जो लेफ्ट ओवर है वो, उसको मैंने इस तरीके से फॉइल से कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो ख़राब भी नहीं होता है। इसके बाद आते हैं जो ये बास्केट है, इस बास्केट में मैं यहाँ पे अपना सैलेड के लिए खीरा एंड गाजर और ये चुकंदर, बीटरूट और टमाटर ये सब रखती हूँ, मूली ये सब रखती हूँ। एक्चुअली हम लोग वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2 या 3 डेज़ के बाद वेजिटेबल ले आते हैं फ्रेश, तो मैं इसमें बस 2 या 3 दिन की वेजिटेबल्स ही लेकर आती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे तोरी रखी हुई है, और ये रखा हुआ है मेरा बेसन का पैकेट, क्योंकि इस बार बेसन थोड़ा ज़्यादा आ गया था, तो बाहर रखते हैं तो उसमें थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इधर का कंपार्टमेंट जो मैं स्टोर करती हूँ कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं इसके हैंडल की साइड में। तो इसका जो हैंडल है वो कुछ इस तरीके का है। इसका जो सबसे फर्स्ट स्टोरेज है उसमें मैंने यहाँ पर टमाटर रखे हुए हैं, और उसके साइड में अगेन एक छोटी सी बास्केट है जो ओपन है। इसमें मैं सारे नींबू, हरी मिर्च और ये अदरक जो भी होता है वो सब रखती हूँ, जो इजीली मुझे मिल जाता है। और साथ में मेरे पास ही रखा हुआ है एक केचप का पाउच, अगर हमें कभी लंच में ले जाना होता है तो हम ले जाते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे थे तो वो यूज़ होते रहते हैं। तो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में मैं बस यही चीज़ रखती हूँ। इसके नीचे जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे ही मेरा रखा हुआ है लेफ्ट ओवर जो ब्रेड है वो रखा हुआ है। साथ में एक छोटा सा वाटर बॉटल रखा हुआ है जो मैं अपने पर्स में कैरी कर लेती हूँ। ये मेरी आई क्रीम जो मैं होम मेड है वो रखती हूँ। यहाँ पे रोज़ वाटर रखा हुआ है, अगेन रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, और ये मेरी फ्रूट रखी है। साथ में यहाँ पे एक छोटा सा कर्ड का पैकेट रखा हुआ है। वैसे तो कर्ड मैं घर में बनाती हूँ, बट लेकिन अभी जम नहीं पाया था तो मैंने वो पैकेट मंगाया हुआ है। इसके नीचे जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है एक रियल का जूस, साथ में रखा हुआ है चॉकलेट सिरम, ठंडाई और 2 वाटर बॉटल। हमने वाटर बॉटल 2 ही रखी हुई हैं क्योंकि हम दोनों के लिए इनफ रहती हैं ये दोनों ही वाटर बॉटल्स। अब जो नीचे लास्ट वाला कंपार्टमेंट है उसमें मैंने अपने सारे जो मसाले हैं वो स्टोर किए हुए हैं। ये सारे मसाले जितने भी यूज़ में आते हैं हमारे डेली में वो सब स्टोर किए हैं। प्लस यहाँ पे सिरका, चिली सॉस, रेड सॉस, ब्लैक सॉस, ये सब जो है वो रखी हुई हैं। तो ये है मेरा जो पूरा डोर इस तरीके का कुछ दिखता है। और ये फ्रिज हम 2 लोगों के लिए इनफ रहता है जिससे हम अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। आप बताना आपको ये कैसा लगा। अगर आपको आया है मेरा वीडियो पसंद, तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, प्लस करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए। और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।